50 ग्राम कर दो आप सब मिक्स करके। सबसे हॉट सेलिंग आइटम हमारी शॉप का 50 रुपए का है, वैसे साइड का होना चाहिए। अरे माशाल्लाह बेहतरीन। लक्ष्मी टाकी पे जाइए आप। अच्छा सब रुपए की ये एक नंबर क्वालिटी। अच्छा मजा आ जाएगा। और काजू के कई मत पर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे वेरी वेरी वेलकम है जी। लीजिए दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मगरिब की नमाज़ दोस्तों कंप्लीट हो गई है। आइए अब चांद देखने की बारी है। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक 2024 के, तो आइए चांद देखते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारे रमज़ान का चांद नज़र आ गया है दोस्तों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है दोस्तों, आप लोगों ने देखा चांद कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह दोस्तों, दुआ करता हूँ कि ये रमज़ान हमारे लिए बहुत खैर बरकत लेके आए। और ये जो हमारे रमज़ान है दोस्तों, इसमें हम लोगों को अल्लाह पाक इतनी तोफ़ीक दे कि हम पूरे रोज़े रख सकें, इतनी हिम्मत दे और हमारी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल करे। चांद मुबारक। चांद मुबारक हो, बहुत आपको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ मांगो तो अल्लाह पाक ज़रूर दुआओं को कबूल करता है। और वो ये कहता है मुझसे मांग, अगर मैं दुनिया में नहीं दूंगा तो तुझे आखिरत में तो ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आइए अल्लाह पाक से चांद देख के दुआ मांगते हैं। अल्लाह पाक हम सब की मगफरत फरमाए, इस रमज़ान मुबारक हमारी रोज़ियों में बरकतें दे अल्लाह पाक। ये मगफरत का महीना होता है, लोग रो रो के दुआएँ मांगते हैं इस महीने में। और अब हम चलते हैं घर की तरफ, हमारी अम्मी को भी रमज़ान मुबारक 2024 की बहुत मुबारकबाद दे देते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं। हम चांद मुबारक को बहुत चांद मुबारक आपको भी रहे। हमें बहुत खुशी दिख रहा है आपको। खुश रहो, आबाद रहो जी। रमज़ान मुबारक है बादमिया, बहुत आपको भी बहुत। तो आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि पूरे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह 30 के 30 रखूंगा। पूरे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, लम्बी आपकी नियत को कबूल करेगा इंशाल्लाह। चांद मुबारक आपको भी, बहुत खुशी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हमारी तरावियों का भी टाइम हो गया है, चलते हैं हमारी सूफिया मस्जिद। माशाल्लाह से दोस्तों हमारी तरावी मुकम्मल हो गई है। अब सेरई के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने की। हम लोग आ गए हैं काजी कैंप पे सेरई के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने। अभी रात के बिल्कुल 11:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह 11:30 बज रहे हैं रात के, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है दिन के 12 बज रहे हों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें। ये क्या है वो रखा हुआ है? फेनी है। और ये भी फेनी रखी है। और ये कचौरी दिख रही है मुझे, कजला। अच्छा माशाल्लाह दोस्तों देख सकते हैं हमें नया आइटम देखने को मिला है, ये बिल्कुल कचौरी की तरह लग रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप 11:30 बज रहे हैं और यहाँ कितनी भीड़ हो रही है इस टाइम। माशाल्लाह हमारे रमजानों की रौनक है, देख सकते हैं आप लोग। तो भाई ये कैसे दिया? 60 रुपए का आधा किलो। और ये 50 का आधा किलो। दोस्तों अगर आप यहाँ रात के 12 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ खाने पीने का सामान पूरा मिलेगा। आप लोगों को बता दूं भोपाल में मात्र यही एक ऐसी जगह है जहां रात भर खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं दोस्तों।
काफी भीड़ होती है इस मार्केट में, देख सकते हैं। यहाँ पे शीरमाले कहाँ अच्छी मिलेंगी बेहतरीन? लक्ष्मी टाकी पे जाइए आप। अच्छा, सब रुपए की एक नंबर क्वालिटी। अच्छा, मजा आ जाएगा आपको। और काजू के कहीं मत पर जाओ। ओके ओके भाई, शुक्रिया बहुत। नंबर क्वालिटी। क्या नाम है भाई आपका? रशीद नाम है मेरा। रशीद की बच्ची दुकान। अरे माशाल्लाह, देख सकते हैं दोस्तों, ये मदीना होटल माशाल्लाह रशीद भाई की है। हमने यहाँ पूरा मार्केट छान मारा, रशीद भाई से पता चला है कि शीरमाले तो हमें लक्ष्मी टॉकीज पे मिलेंगी। आइए चलते हैं अपन लक्ष्मी टॉकीज। कुछ इस तरीके से नजारा है हमारी लक्ष्मी टॉकीज का। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शीरमाले कैसी मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ पे देख के तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा दोस्तों कि रात के 12 बज रहे हैं। फाइनली हमें मिल गई हमारी शीरमाले, तो आइए अपन शीरमाल ले लेते हैं यहाँ से। दो निकाल दीजिए शीरमाले इसमें से मुझे। तो दोस्तों शीरमाले तो हमने ले ली हैं, तो हमारे इमदाद मियां कहने लगे कि हमें बाखरखानी और पराठा भी चाहिए। तो पराठा और बाखरखानी जो मिलेगी वो मिलेगी हमें बुधवारे में। तो चलिए अब बुधवारे की तरफ चलते हैं। सर ये हमारे पास है 15 रुपीस का, 15 रुपए का आइटम है ये। और माशाल्लाह 20 रुपए का है ये भी, बहुत हॉट सेलिंग है। अच्छा, और ये है नान, ये नान, ये अरेबिक नान है और 40 रुपीज की है। अच्छा, करती है 50 रुपीज की, बट ये 40 रुपीज की हमारे पास हर चीज के रेट बहुत कम मिले। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, काफी रीजनेबल रेट से आपके माशा। ये सबसे हॉट सेलिंग आइटम है ये वाला भाई शॉप का, अभी इससे महंगा और आने वाला है। अच्छा, क्वालिटी भी होगी, महंगे का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर क्वालिटी नहीं है। बहुत अच्छी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। ये तीन निकाल दीजिए, 150 रुपए। टेस्टी निकलेगी भाई ये, एक नंबर। चलिए आप देख लीजिए, हमारे व्यूअर्स देखेंगे नहीं तो मजेदार नहीं हुई तो। बड़ी दूर से ढूंढते ढूंढते आए आप लोगों को, गारंटी है लेके जाइए आप। चलिए इंशाल्लाह आपको ये सबसे हॉट सेलिंग आइटम हमारी शॉप का 50 रुपए का है, वैसे 60 का होना चाहिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए भाई पर इंशाल्लाह सेरे ही इसी से करेंगे। जज़ाकअल्लाह इंशाल्लाह, रोजा मुबारक हो पहला आपको भी। आपको अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों हमारी सेरे का इंतजाम तो हो गया। चलिए अब चलते हैं अपन घर की तरफ। 11 बजे तक शॉप क्लोज हो जाती है, बट मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोगों ने रमज़ान की वजह से दुकानों को लेट नाइट खोलने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। 12:30 हो चुके हैं दोस्तों रात के, और हमारी सेरई में अभी 4.5 से 5 घंटे बाकी हैं, और हमारी जो सेरई के लिए जो तोप चलेगी वो एग्जैक्ट चलेगी 5:05 तक दोस्तों। तब तक के लिए हम आराम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सेरई में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी सेरई का टाइम हो गया है, चलिए सेरई कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या सेरई में। पहली सेरई हमारी बिल्कुल तैयार है दोस्तों, ये हमारा कोरमा रखा है, ये हमारे बर्गर वगैरह रखे हैं, और ये देख सकते हैं पराठे तैयार हैं बिल्कुल, और इधर हमारी शीरमाल और बाखरखानी वगैरह सब रखी हुई है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके पहली सेरई। दोस्तों अल्लाह के लाख लाख करम एहसान से हमने अपनी सेरई को कंप्लीट कर लिया है, सेरई हो गई है हमारी, और आइए अब रोजे की नियत कर लेते हैं और अपन अपनी फजर की नमाज के लिए निकलते हैं। पेशा में गद्दीन मिनश कहर रमज़ान, अल्लाह पाक हमारे इस रोजे को कबूल करें और आप सबके रोजे को कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक बहुत बरकतें देते हैं और बोलते हैं अपने बंदे से कि मांग अपनी मगफरत की दुआ, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, बट शर्त ये है कि बंदे को दिल से मांगने आने चाहिए और इबादत करना आना चाहिए। अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान शरीफ पूरे रोज़े रखने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वुज़ू करके पैदल नमाज के लिए जाना, हर एक कदम पे हज़ारों लाखों नेकियां मिलती हैं दोस्तों। हमारा नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का स्क्वायर आ गया दोस्तों, ये हमारे भोपाल के आखिरी नवाब थे नवाब हमीदुल्लाह खान। ये हमारी सूफिया मस्जिद का मेन गेट आ गया माशाल्लाह, देख फजर पढ़ के आके हम सो गए थे, अभी 1 बज रहे हैं तो जोहर का टाइम भी हो गया हमारी नमाज का। तो दोस्तों नमाज वमाज पढ़ के फिर हम सिटी चलते हैं, सिटी चल के देखते हैं वहाँ अफ्तारी वगैरह के लिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और अगर हमें अच्छी लगेंगी ज़रूरत लगेगी तो फिर इंशाल्लाह कल खरीद लेंगे अफ्तारी के लिए। भाई कैसे दिए ये? 50 ग्राम कर दो आप सब मिक्स करके। हाँ रूह अफ़ज़ा भी दे दीजिए, रूह अफ़ज़ा भी करेंगे। ये कितने अपन को 40 रुपये दर्जन पड़ेंगे है ना? दे दीजिए। ये कैसा दिया वाटर मिलन? 20 रुपये किलो। मीठा निकलेगा, गारंटी है मीठे की? गारंटी है, लाल की गारंटी नहीं है।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इफ्तारी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। और इधर हमारे चने भी रेडी हैं माशाल्लाह। ये लम्हे से अपन खैर आफियत की दुआ मांगते हैं, अपनी मगफरत की दुआ मांगते हैं आज तेरे रोज़े पर। तेरा रोज़ा कैसा जा रहा है आपका बताइए? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। खजूर है, इससे इफ्तार करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। सबसे पहले अपन इस खजूर से करेंगे इफ्तारी शुरू। तो चल गई बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरे दिन का चांद है हमारे। पहले दिन का तो मैंने आपको कल दिखाया था, ये दूसरे दिन का चांद देख सकते हैं आप। अल्लाह पाक हम लोगों को दोस्तों इस रमज़ान शरीफ पूरे रोज़े रखने की तौफीक अदा फरमाए और हम लोगों की सबकी मगफरत फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ मिलकर चलें और अपनों के साथ जुड़कर रहें। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार एंड सत श्री अकाल।